प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। थाना पुलिस आयुक्तालय का गुने शाखा यूनिट 1 ने बहुत ही अच्छी कामगिरी यहाँ पे किया है जी। यहाँ पे दरपोड़ी के एक आरोपी की इंफॉर्मेशन थी, इसके तहत उन्होंने ACP डिटेक्शन और नीलेश सोनोने साहब के गाइडेंस में सीनियर PI दिलीप पाटिल साहब और उनकी पूरी टीम, उसमें PI कोपनी साहब, PSI प्रकाश सिरसाट साहब और पूरी टीम, इन्होंने एक आरोपी पहले अरेस्ट किया। उसके बाद में टोटल 3 आरोपी अरेस्ट किए गए। उनके पास से लगभग 15 ग्राम के जो जेवरात है वो भी उन्होंने हस्तगत किए। लगभग 43 मोबाइल उनके पास से बरामद किए गए। ये लगभग इसकी कीमत है 8,83,000 उसकी टोटल कीमत है। और एक बहुत ही अच्छी कामगिरी यूनिट 1 ने की है। और इसमें ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इसके खिलाफ पुराने भी घरपोड़ी के गुने उनके ऊपर दाखिल है। और ये जो 4 आरोपी RS है, ये चारों आरोपी और भी गुने कुछ ओपन होने की आशंका है, तो अभी कस्टडी में आरोपी है। ये जो आरोपी है अख्तर हुसैन खान, मोहम्मद शमसुद्दीन, मोहम्मद नौशाद अंसारी, ये 3 आरोपी इसमें अरेस्ट किए गए। और बाद में एक रिसीवर जो मोहम्मद सरफराज खान करके एक आरोपी पकड़ा गया। ये जो मोबाइल चुराते थे और ये मोहम्मद सरफराज जो है वो आरोपी रिसीवर करके इसमें काम करता था, तो ये पूरा गिरोह इसमें पकड़ा गया है। और भी कुछ गुने इसमें ओपन होने की आशंका है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक बहुत ही अच्छा काम यहाँ पे यूनिट 1 गुने शाखा ने यहाँ पे किया। सर, ये मोबाइल चुरा के और सर कहाँ बेचते थे सर? ये जो रिसीवर है ये जनरली हम पहले भी देखते हैं, जो मोबाइल चुराते हैं वो कम कीमत में, अगर किसी को जो जरूरतमंद है उसको अगर 15,000 का मोबाइल या 20,000 का मोबाइल 5,000 में अगर मिलता है तो ये लेते हैं लोग, तो ऐसे हिसाब से। और हमें इधर मिला है उधर मिला है करके ये लोगों को गलत बता के उनको बेचते थे, तो ऐसा इनका मॉडस था। और ये जो मोबाइल अभी बरामद हुए, कुछ मोबाइल इनके पास से ही हमने बरामद किए हैं और कुछ रिसीवर के पास से, मतलब जो अल्टीमेट जिन्होंने उनके पास से खरीदे थे ऐसे उनके पास से मिले हैं। तो लगभग 43 मोबाइल्स इनके पास से बरामद हुए हैं और भी कुछ गुने इसमें ओपन होने की आशंका है। अभी टोटल 5 दिन की पुलिस कस्टडी इसमें मिली है। कल तारीख 7 तक इनकी पुलिस कस्टडी में कस्टडी है और भी कस्टडी बढ़ने की इसमें शक्यता है।